चेन्नई सुपर किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच मंगलवार के दिन मुकाबला खेला गया, जहां चेन्नई ने बैंगलोर को 23 रनों से शिकस्त देते हुए 4 मुकाबले हारने के बाद इस सीजन पहली जीत अर्जित की। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने 216 रन बनाए, जिसमें सर्वाधिक रन स्कोरर शिवम दुबे रहे, जिन्होंने नाबाद 95 रनों की पारी खेली। इस मैच में शिवम दुबे और रॉबिन उथप्पा ने मिलकर 165 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी करते हुए टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाया। लेकिन 217 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बैंगलोर की टीम 193 रन ही बना सकी और 23 रनों से मैच गवा बैठी। लेकिन मंगलवार को खेले गए इस मैच में एक ऐसा वाक्य देखने को मिला जो मैच के समाप्त होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों के बातचीत का कारण बना, और ये वाक्य विराट कोहली के विकेट से जुड़ा था। आपको बता दें कि मैच के दौरान एक बार फिर से महेंद्र सिंह धोनी की समझ और अनुभव का बेहतरीन उदाहरण देखने को मिला, जहां कोहली को आउट करने के लिए पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने इस मैच में एक ऐसी फील्ड लगाई जिसे विराट कोहली भेद ना पाए और अपना विकेट गवा बैठे। बता दें कि फाफ डुप्लेसीज के बाद बल्लेबाजी करने उतरे विराट कोहली के सामने अनुभवहीन गेंदबाज मुकेश चौधरी थे। पहली गेंद डालने से पहले धोनी ने विकेट के पीछे से इशारों में फील्डिंग में कुछ बदलाव किया और शिवम दुबे को डीप स्क्वायर लेग पर लगाया। चौधरी ने इसके बाद विराट कोहली के पैड के पास लेग साइड में लेंथ गेंद फेंकी, जिस पर विराट कोहली ने पुल शॉट खेला और सीधा दुबे के हाथों में कैच दे बैठे, जिसके बाद कोहली सस्ते में पवेलियन लौट गए। धोनी की इस चालाकी भरी फील्ड की अब खूब तारीफ की जा रही है और उन्हें एक बार फिर से इस खेल का जीनियस बताया जा रहा है। आपका इस बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया को।